मेरा नाम डॉक्टर मारजे खान है। मैंने अपनी MBBS खैबर का पेशावर से की है और जेनरल सर्जरी मेरी स्पेशलिटी है। मैंने जेनरल सर्जरी में स्पेशलाइजेशन की है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से, और एट द मोमेंट मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल लाहौर में एज ए सीनियर स्टाफ काम कर रहा हूँ, और हबीब लतीफ में प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ जनरल सर्जरी की। चूंकि मेरा प्रोफेशन जनरल सर्जरी है, मैं जनरल सर्जरी खुद जनरल सर्जन हूँ, तो जनरल सर्जरी की दो बड़ी डोमेन हैं। एक जनरल सर्जरी में इलेक्टिव है और एक इमरजेंसी है। इमरजेंसी में वो सारे पेशेंट आ जाते हैं जो एक्सीडेंट के साथ आते हैं, जो क्रॉनिक बीमारियों के साथ आते हैं, और वो उनको ज़रूरत होती है उसी वक्त इंटरवीन करने की, उसी वक्त उनको हेल्प की या डॉक्टर की, तो वो सारे इमरजेंसी में आते हैं, उनको हम डील करते हैं। दूसरा इलेक्टिव, इलेक्टिव में ये होती है कि जैसे गिलहड़ है, कोलिसेस्टेक्टोमी है, अपेंडिक्स है, हर्निया है, वेरिकोज वेन है, हेमराइड्स हैं, एनल फिशर्स हैं, तो इस तरह की बीमारियां जो है ना, या ब्रेस्ट की कोई सर्जरी है जिसमें जो है ना उनके कोई ट्यूमर्स आ गए, या कोई और लंप आ गया, या कोई और उसमें कोई रसौली वगैरह आ गई, तो ये सारी चीज़ें जो है ना जनरल सर्जन डील करता है। तो इलेक्टिव और इमरजेंसी दो बड़ी डोमेन्स हैं इसकी जिनको हम डील करते हैं। शुगर ऐसी बीमारी है जो आपकी आंखों को, आपके जिस्म के किसी भी अज़ा को मुतासर कर सकती है। ओल्ड एज में जो लोग अपने जो बीमारी का ख्याल नहीं रखते, या जिनकी पुअर डायबिटिक कंट्रोल है, शुगर उनकी कंट्रोल नहीं होती, उनको बाज़ औक़ात अनजाने अनजाने में उसके जो है ना कोई जख्म लग जाए और फिर उसकी केयर नहीं करते, तो फिर उस वुंड के साथ आते हैं, अल्सर्स के साथ आते हैं, तो उनको इंटरवीन करना, उनको फिर ठीक करना, उसके मुताबिक उनकी मैनेजमेंट करना, ये फिर ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि शुगर की वजह से उनकी जो आर्टरीज होती हैं, उनकी वेन्स होती हैं, उनकी नर्व्स होती हैं, वो मुतासर होती हैं, तो उनकी पेन सेंसेशन नहीं होती, तो उनको कोई जख्म या कट लग गया तो उनको फील नहीं होता, तो उस वक्त उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, उनकी शुगर कंट्रोल की, उनको प्रॉपर मेडिसिन की, प्रॉपर सर्जरी की, डिब्राइडमेंट की और प्रॉपर केयर की। हेमराइड्स जनरल सर्जरी की डोमेन है, और जो है ना पेशेंट अक्सर जो है ना वो पररेक्टल ब्लीड के साथ जो है ना प्रेजेंट करते हैं, वो आते हैं कहते हैं डॉक्टर साहब हमें पखाने वाले रास्ते खून आ रहा है, तो इसकी मुख्तलिफ डिग्रीज होती हैं, पहली डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, हर जो डिग्री है उसकी ट्रीटमेंट अलहदा है, तो वो ऑन इंस्पेक्शन ऑन एग्जामिनेशन आपका सर्जन ही आपको बेहतर बता सकता है कि जी अब आपको किस चीज़ की या कौन सी मॉडेलिटी की ज़्यादा ज़रूरत है। बहरहाल सर्जरी थर्ड डिग्री में हम ज़्यादातर सर्जरी करते हैं, सेकंड डिग्री में इंजेक्शन भी लगा लेते हैं या जो है ना बैंड लाइकेशन भी कर लेते हैं। पित्त हर इंसान के जिस्म में पाया जाता है, और इसका काम है आपके कोलेस्ट्रॉल को, आपकी फैट्स को हजम करवाना। ये एक रिजर्वायर होता है जिसमें जो है ना डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स जो है ना वो स्टे करते हैं, और फिर इसकी कंट्रेक्शन से वो रिलीज होते हैं और आगे जाते हैं। स्टे करने की वजह से इसमें मुख्तलिफ किस्म के स्टोन्स बन जाते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल स्टोन भी हैं, पिगमेंट स्टोन भी हैं, जो तकरीबन हर 40-50 एज के बाद तकरीबन हर बंदे में होते हैं। बाज़ औक़ात ये कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बाज़ औक़ात कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, साइलेंट पड़े रहते हैं। तो जो कॉम्प्लिकेशन इसकी ये कि पेन शुरू हो जाती है, आपको डिस्पेप्सिया होता है, आपको एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट होती है, उस सिलसिले में फिर इसको इंटरवीन करना ज़रूरी होता है। इसकी पर कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो बड़ी ख़तरनाक होती हैं। अगर स्टोन स्लिप हो के बड़ी नाली में चला जाए तो आपको जॉन्डस हो सकता है, उससे फीवर हो सकते हैं, उसमें पस पड़ सकती है, उसमें पानी पड़ सकता है, आपको हाई ग्रेड फीवर होता है उससे, तो उन चीज़ों से बचाने के लिए फिर कुछ इख्तियार भी ज़रूरी हैं। कुछ जो है ना अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और रिपीटेड अटैक्स हो रहे हैं पेन के, तो फिर उसको इंटरवीन करना जो है ना वो ज़रूरी है। अब इसके डिफरेंट जदीद तरीके आ गए हैं, हम छोटे छोटे कट दे के लैप्रोस्कोप, जिसको लेमैन लैंग्वेज में लेजर भी कहते हैं, उससे करते हैं, उसमें जो है ना बिल्कुल आपके जिस्म पे कोई स्कार या कोई और इस तरह का बड़ा वुंड नहीं होता, वो कैमरे के जरिए छोटे छोटे कट्स दे के हो जाते हैं। थायराइड स्वेलिंग जो है ना, ये नेक के सामने एक स्वेलिंग को कहते हैं, गिलड़ को उर्दू की जबान में इसको कहते हैं, इसकी भी जो है ना दो तरह की होती हैं, या ये बेसिकली हार्मोन है जो गिलड़ है, ये हार्मोन पैदा करता है जो जिस्म के नशोनुमा के लिए जरूरी होता है। ये इसकी कम सिक्रीशंस की वजह से भी इसमें जो है ना बड़ा हो सकता है, और ज्यादा सिक्रीशंस की वजह से भी बड़ा हो सकता है, तो
तो इसकी पहले नोयत देखते हैं कि जी इसकी सिक्रीशन ज्यादा है कि कम है, उसके मुताबिक फिर डिफरेंट मेडिसिन से इसको ट्रीट करते हैं, और अगर ये नॉर्मल है और वैसे बड़ा है तो फिर इसकी सर्जरी जो है ना वो करते हैं डिफरेंट कंडीशन में, ताकि जो है ना ये कॉस्मेटिकली भी बुरा लगता है, ताकि उसमें उसकी कॉस्मेसिस के इश्यूज भी इसमें सॉल्व हो जाते हैं और बाकी जो दूसरी प्रॉब्लम है वो भी इसके हल हो जाते हैं। मैं मरहम ग्रुप के साथ अटैच हूँ, और अगर आप मुझसे कंसल्ट करवाना चाहते हैं या मेरी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है, या इफ़ यू थिंक मेरी आपको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है जनरल हॉस्पिटल में या मीर लतीफ़ हॉस्पिटल में, तो मरहम के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।